दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल यूनिक मेडिसिन और आज हम बात करेंगे इस परमेथ्रिन क्रीम के बारे में। दोस्तों हमारे घरों में कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको शरीर पर बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, खाजन हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है या स्कैर्विक हो जाती है और इसके साथ ही साथ उनके सर में जुएं पड़ जाती हैं। ये जो मेडिसिन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये परमेथ्रिन क्रीम के नाम से आती है। ये अपनी तीनों फॉर्म में आपको मार्केट में मिल जाएगी, यानी क्रीम की फॉर्म में भी मिल जाएगी, लोशन की फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी और इसके साथ ही साथ साबुन की फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आप जान लेते हैं इस क्रीम के क्या क्या ब्रांड नेम हो सकते हैं। अगर आपको ये परमेथ्रिन क्रीम, यानी ये तो अपने जेनरिक नाम से आप ये क्रीम मेरे हाथ में देख रहे हैं जो इसका जेनरिक नेम है परमेथ्रिन है, बट ये आपको अपने ब्रांडेड नेम से भी मार्केट में मिल जाएगी, जैसे कि स्कैरविक, लाइसकैप, मेडिलिका और इसके अपने जेनरिक नाम से। दोस्तों बात कर लेते हैं इस परमेथ्रिन क्रीम के क्या क्या फायदे हैं, क्या इसके यूज हैं और किस तरह से इसका यूज किया जाता है। दोस्तों इस क्रीम के फायदे ये हैं कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको शरीर पर बहुत खुजली रहती है या हाथों में खुजली हो जाती है उनके और रिंगवर्म्स हो जाते हैं, स्किन पर खुजली हो जाती है, खुजाते खुजाते खून निकल आता है, लाल चकत्ते बन जाती हैं और बाद में वो काले होने लगते हैं। इसके साथ ही साथ स्किन में जो ये रैशेज होते हैं, खुजली होती है, स्किन से रिलेटेड जो भी इन्फेक्शन हो जाते हैं, फंगस की वजह से जो इन्फेक्शन हो जाते हैं जिसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि ऐसे आपको दिखते नहीं हैं बट माइक्रोस्कोप से देखने पर वो दिख जाते हैं, तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनके लिए परमेथ्रिन है बहुत अच्छी ये मेडिसिन है और बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करके अपने अच्छे रिजल्ट पेशेंट को शो करती है। दूसरा इस मेडिसिन का काम है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सर में जू पड़ जाती हैं, मतलब लीज पड़ जाती हैं, तो ये उन जुओं को ख़त्म करती है, लीज को मतलब मार देती है और इसके साथ ही साथ उनके जो एग्स वगैरह होते हैं उनको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये इस तरह की एक इंसेक्टिसाइड क्रीम है, यानी ये पूरी तरह से जो इंसेक्ट वगैरह हैं उनको मारने का काम करती है। दोस्तों परमेथ्रिन क्रीम 30 ग्राम की पैकिंग में आपको मिल जाती है और अगर हम बात कर लें इसके कंपोजिशन की तो ईच ग्राम यानी प्रत्येक ग्राम में जो कंपोजिशन रहने वाला है वो परमेथ्रिन 50 mg का होगा और इसके साथ ही साथ फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन है वो 1 mg का होगा, यानी दोनों ही ब्रिटिश फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाई गई है और क्रीम का जो बेस है यानी इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इसमें एक्सिपिएंट्स वगैरह क्वांटिटी सफिशियंट मिलाए गए हैं, तो ताकि ये क्रीम का जो वॉल्यूम है वो बढ़ाया जा सके। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन की, तो फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑफ द फिजिशियन, हमेशा इसको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही फॉलो करें जिस तरह से आपके डॉक्टर बताते हैं, और स्टोर करने का इसका तरीका ये है कि इसको 25 डिग्री तक के टेम्परेचर पर ही इसको स्टोर करें, इसको फ्रीज में ना रखें। दोस्तों इसके साथ ही ये इंस्ट्रक्शन है कि इसको डायरेक्ट आंखों के संपर्क में ना लाएं और इसको यूज़ करने के बाद इसका अच्छे से कैप लगा दें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें और इसके साथ ही साथ जो एक यहाँ वार्निंग आप देख सकते हैं कि टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, तो यहाँ एक अच्छे जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं यानी जो डॉक्टर्स होते हैं रजिस्टर्ड उनके प्रिस्क्रिप्शन पर ही इस क्रीम को बेचा जाना चाहिए। तो ये मेडिकल स्टोर्स के लिए एक वार्निंग है, फॉर एक्सटर्नल यूज है या रेड फॉन्ट में आप देख सकते हैं, तो हमेशा इसका बाहरी यूज करना है, इसको पीना नहीं है, इंजेक्ट की फॉर्म में नहीं लेना है या इसको ड्रिंक वगैरह नहीं करना है। मैन्युफैक्चरिंग और ब्रांडिंग की, तो इसको मैन्युफैक्चर किया है यूनिक्योर इंडिया लिमिटेड ने जो कि एक सर्टिफाइड कंपनी है और बुद्ध नगर यूपी में इसकी सप्लाई यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। दोस्तों ये क्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई है, एक्चुअली ये सरकारी हॉस्पिटल की क्रीम है तो यहाँ इस पर MRP वगैरह नहीं होता है, बट नॉर्मली अगर आप मार्केट में जाते हैं तो ये आपको 90 से 100 रुपये में आपको मिल जाती है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बैच नंबर की, तो यहाँ बैच नंबर आप देख सकते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग अक्टूबर 2020 का है और सितंबर 2022 तक की इसकी एक्सपायरी है, यानी सितंबर 2022 तक इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ इसका एक बेसिक सा बार है जिसको आप स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों अब देख लेते हैं क्रीम किस तरह से निकलने वाली है, तो ये इस तरह से क्रीम निकलने वाली है और इसके साथ ही
ये क्रीम आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अब दोस्तों इस क्रीम को यूज़ करने का तरीका जान लेते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों ये एक इंसेक्टिसाइड क्रीम है, इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि नहाने के बाद अगर आपके शरीर पर खुजली वगैरह हो रही है तब आप नहाने के बाद इस क्रीम को लेकर अपने शरीर पर लगा सकते हैं और 4 से 5 घंटे तक आपको फिर नहाना नहीं है, मतलब आप उसको 4 से 5 घंटे तक लगा के रखिए ताकि ये पूरी तरह से अपना असर कर सके। और दोस्तों अगर आप सर में आपके लीज वगैरह हो रही हैं, जुएं हो रही हैं, तब इस क्रीम को या इसका साबुन या इसका लोशन आप सर में लगा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि आँख नाक और मुंह पर इस क्रीम को नहीं लगाना है, जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो और हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दोस्तों इसके साथ ही साथ जब आप ये क्रीम लगाने के बाद जो कपड़े आप पहनते हैं उसको गर्म पानी से वॉश कर लें, अदरवाइज़ हो सके तो उन कपड़ों को फेंक दें और 1-2 हफ्ता उन कपड़ों को धोने के बाद अलग ही रखें ताकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन आपके किसी परिवार के सदस्य को ना हो सके। तो दोस्तों ये थी परमेथ्रिन क्रीम के बारे में जानकारी वीडियो, आई होप कि ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो नीचे एक लाइक का बटन दिया है आप उसको दबा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर और लाइक कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ, और कोशिश करते हैं आपको नई नई जानकारी देने की। तो बने रहिए हमारे साथ आने वाली वीडियो में, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।